कि जो लोग यूथ्स हैं या इनफैक्ट स्पेशली यूथ्स कॉन्ग्रीगेशन भी हैं, कि वो लोग बाहर जाते हैं और सब कुछ हमें फिलॉसफी पता है, सब कुछ क्लियर है, मगर जब हम मटेरियल वर्ल्ड से, संसार से एंगेज करते हैं तो हम अट्रैक्ट हो जाते हैं भौतिक विषयों से, जब सामने आती हैं चीज़ें हमारे, जबकि हमें पता है गलत है बट फिर भी अट्रैक्शन है। और भगवान के बारे में पता है भगवान ऑल अट्रैक्टिव है, फिर भी अट्रैक्शन नहीं है। सो एग्जैक्टली कैस क्या करें कि हम लोग इस संसार में नेविगेट कर सकें, रहें, और चीज़ों से तो इंटरेक्ट करना ही पड़ेगा, चीज़ों से तो आपको देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, संसार में है ही, ऐसे क्या करें कि उनसे आकर्षण ना हो और हम बच सकें, क्या कर सकते हैं उसके लिए? क्योंकि आकर्षण होता रहेगा, माइंड डिस्टर्ब होता रहेगा, भक्ति होगी नहीं सही से, तो प्रॉब्लम है। ओके, सो व्हाट टू डू? इसका आंसर भगवान ने गीता में दिया है, सिंपल, मतलब आंसर सिंपल है बट एप्लीकेशन मुश्किल हो सकती है। भगवान एग्जांपल दे रहे हैं टॉर्टॉइस का। क्या श्लोक है वो? श्लोक याद नहीं आ रहा मुझे। एनीवे, भगवान एग्जांपल दे रहे हैं कछुए का, कि कछुआ जैसे अपने हाथ निकालता है बाहर, पाँव निकालता है, कछुए का वो होता है ना शेल, हाथ पाँव बाहर निकाल लेता है, और फिर जब हाथ पांव बाहर निकालता है तो फिर अपना चलता है, फिरता काम करता है, जब रेस्ट करता है तो हाथ पांव अंदर कर लेता है। सो उसी प्रकार एक डिवोटी जब इस संसार में काम करता है तो अपनी इंद्रियों को यूज करता है, मगर जब रेस्ट करता है तो अपनी इंद्रियों को वापस खींच लेता है, फिर संसार के बारे में सोचता नहीं है। बस एग्जैक्टली यही है। सो आइडिया ये है, भगवान कह रहे हैं देखो भी, संसार से आपको इंटरेक्ट करना है तो इंद्रियों की ज़रूरत तो होगी होगी, नहीं वो तो क्वेश्चन ही नहीं है कि आप बिना इंद्रियों के आप कुछ कर लो, इस संसार से इंटरेक्ट यूज़ करना ही पड़ेगा, हाथ पांव, आँख, नाक, कान, सर्विस करते हैं तब भी हमें चीज़ें तो इस्तेमाल करनी पड़ती है ना, मगर भगवान ये कह रहे हैं कि बट उसमें पॉइंट ये है कि जब हम अकेले हो, जब हम अलग हो जाएं, तो अपनी इंद्रियों को अंदर खींच के और केवल भगवान पे फोकस करना चाहिए, संसार को भूल जाना चाहिए। ये ट्रिक है, क्योंकि आप इस संसार से इंटरेक्शन अवॉइड नहीं कर सकते, संसार से आप देखना सुनना बंद तो कर नहीं सकते, वो तो नॉनसेंस है, वो तो मायावाद फिलॉसफी है, ये सब आए आँख बंद करके, नाक बंद करके सब शून्य कर दो, एंटर मत होने दो इन्फॉर्मेशन, गुफा में जाके बैठ जाओ, वो पॉसिबल ही नहीं है। अगर स्पेशली भगवान की सर्विस करने तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, आपको खाली बैठना है तो अच्छा ही है, मगर हम खाली तो बैठना नहीं आते, हम तो सर्वे करने आते हैं, उसमें तो इंटरेक्शन चाहिए, उसमें तो आपको चीज़ें देखनी पड़ेंगी, पढ़नी पड़ेंगी, बात करनी पड़ेगी लोगों से, चीज़ें तो करनी पड़ेंगी ना। सो फिर अब क्वेश्चन ये है कि भाई हम तो सेवा करना थे, हमें तो करना है, तो क्या करें हम इससे बचें? तो इससे आपको बचने के लिए, आकर्षण से आपको अपने आप को चार्ज करना पड़ेगा, डी कॉन्टैक्ट होके संसार से चार्ज करना पड़ेगा। अभी जैसे आप फोन यूज करते रहते हो, डिस्चार्ज होता रहता है, फिर जब चार्ज करते हो तो यूज़ नहीं करते है ना, चार्ज करते हुए तो यूज़ नहीं करते, फिर हम कोई नहीं करता मोस्टली, चार्ज करते हुए चार्ज करने रख देते हैं, फिर जब चार्ज जाता है तब उठा के फिर हम यूज़ करते हैं, ऐसे ही होता है ना। तो बस यही है। तो जब हम कहने का मतलब, जब हम सेवा कर रहे हैं तो कर ही रहे हैं, जब हम चीज़ें संसार में जो जॉब वाले कॉन्ग्रीगेशन वाले जॉब भी जाएंगे, हज़ार चीज़ें करनी होती, स्टडी करनी होती, वो तो कर ही रहे हैं, मगर जब हम अपनी भक्ति कर रहे हैं, अपने चैंटिंग कर रहे हैं, अपना स्वाध्याय कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं, तो मत सोचो इधर उधर की बातें, वरना फ़ोन चार्ज आपका नहीं होगा। तो चार्ज नहीं होगा तो फिर आप इस संसार से प्रभावित होते रहोगे, बस ये तरीका है बेसिकली। तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है कि हमें कनेक्ट और डिसकनेक्ट करना आना चाहिए, ये सॉल्यूशन है। अच्छा, अपने हाथ पांव निकाल के बाहर कनेक्ट हो जाता है, जब कुछ नहीं करना तो अंदर होके, शेल के अंदर होके डिसकनेक्ट हो जाता है। आपको पता है, आप जब देखोगे ना कछुआ बैठा होगा तो सिर्फ उसका शेल नज़र आएगा, वो नज़र ही नहीं आएगा,
डिस्कनेक्ट हो जाएगा वो। सो बस ये सिस्टम है। क्लियर हो गया? तो इसलिए डिवोटी की, अगर डिवोटी की एक्चुअली दो लाइव्स होती हैं, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल, यही बता रहे हैं भगवान कछुए के एग्जांपल से। जो बाहरी जीवन है, एक्सटर्नल जीवन है, उसमें तो हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, प्रीचिंग, बात करना, मैनेजमेंट। जो इंटरनल जीवन है, जिसमें हम स्वाध्याय कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो एक डिफरेंट लाइफ है हमारी। उसमें हमें फिर बाहर की चीज़ें नहीं सोचनी, उसमें सिर्फ इंटरनल हमें अपनी कल्टीवेशन करनी है। और आपको ये सोचना है कि चलो इस टाइम, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे चैंटिंग कर रहा हूँ, रीडिंग कर रहा हूँ, तब दुनिया एग्जिस्ट नहीं करती, तब एग्जिस्ट नहीं करती। तो उसमें आप अंदर से चार्ज हो जाओगे, फिर जब चार्ज होके जाओगे संसार में, तो उससे प्रभावित नहीं होगे। बस वरना क्या होगा, वरना आप जब सेवा कर रहे होगे तो सोचोगे चैंटिंग करनी है, जब चैंटिंग करोगे तो सोचोगे सेवा करनी है, बस यही चलता रहेगा। जब सेवा करोगे तो सोचोगे रीडिंग करनी है, रीडिंग करोगे तो सोचोगे सर्विस करनी है, बस यही चलता रहेगा पूरी लाइफ, कॉन्फ्लिक्ट ही चलता रहेगा। सो ये इसलिए भगवान ने कछुआ, कछुआ मतलब कूर्म अवतार, नहीं कूर्म अवतार से हम सीखते हैं। एक्चुअली कूर्म अवतार की ड्यूटीज कहाँ है किसी को पता है? दुनिया में एक ही जगह है, किसी को पता है कहाँ है? कूर्म अवतार की ड्यूटीज सिर्फ पुष्कर में है। पुष्कर में हम जाएंगे तो ब्रह्मा जी का मंदिर है, आगे कूर्म अवतार की ड्यूटीज है। सो कूर्म अवतार का रिप्रेजेंटेशन ही ये है। कूर्म, कूर्म क्या है? वो पानी में स्विम कर सकता है ना, तो हाथ पांव निकाल लेता है, और जब लैंड पे आके बैठता है तो हाथ पांव अंदर करके बैठ जाता है। तो बस यही है सब। तो इस संभव सागर में स्विम करने के लिए आपको अपने हाथ पांव निकालने पड़ेंगे। मैं कहा फिर थोड़ा टाइम बाद आप बाहर आओ लैंड पे, और आराम से हाथ पांव अंदर करके बैठ के अपने आपको चार्ज, थक जाओ तो रेस्ट हो गया, फिर उसके बाद जाके दोबारा से, बस यही है। सो आप ट्रेडिशनली देखोगे तो लोग कूर्म अवतार की पूजा करते हैं। कूर्म अवतार की पूजा क्यों करते हैं? कूर्म अवतार की पूजा करते हैं माइंड को पीसफुल करने के लिए, ये है ट्रेडिशन। ऐसे मत्स्य अवतार की पूजा की जाती है, मीन अवतार की पूजा की जाती है, और हयग्रीव अवतार की पूजा की जाती है नॉलेज के लिए। इस अवतार में उन्होंने वेदों की रक्षा की ना, ऐसे कूर्म अवतार की पूजा की जाती है माइंड को पीसफुल करने के, पीस के लिए। सो दैट्स दिस एग्जाम्पल, कूर्म का एग्जाम्पल। सो ये प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस की बात है, मतलब हम कर तो पाएंगे नहीं, ऐसे मुश्किल है नहीं। हम चैंटिंग करेंगे, रीडिंग करेंगे, तो फिर हमें लगेगा यार कि हम सर्विस कर लें, जब सर्विस कर रहे होंगे तो हमें कर लगेगा चैंटिंग और रीडिंग कर लें, बस यही चलता रहेगा, है ना। मगर एक्चुअली अगर हम ध्यान से देखेंगे तो, अगर हम ध्यान से, हम अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम इन दोनों को डिस्कनेक्ट कर सकेंगे। ऐसे श्रील प्रभुपाद भी, प्रभुपाद इतनी मैनेजमेंट में थे, इतने ज़्यादा कृष्णा कॉन्शियस, सब कुछ ही कर रहे थे प्रभुपाद, इतने ज़्यादा प्रभुपाद को न्यूज़ मिलती थी, डिस्टर्बिंग न्यूज़ मिलती थी। प्रभुपाद के इतना सर में भी दर्द होता था कि प्रभुपाद के सर में भी दर्द होता था कंटिन्यूसली, प्रभुपाद ने खुद ने बोला है। प्रभुपाद को मालिश करानी पड़ती थी, प्रभुपाद को हेडेक होते थे। बट जब प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद कैसे चल रहे थे, चल कैसे रहे थे, तो कैसे चल रहे थे? क्योंकि शिला प्रभुपाद को ये टेक्निक आती थी। शिला प्रभुपाद जब चैंटिंग करते थे, जब अपना अकेले बैठते थे, तो पूरी तरह माइंड कृष्णा में लगा लेते थे। इनफैक्ट कई डिवोटीज ने बोला भी कि जब प्रभुपाद जब बैठ के, जब प्रभुपाद खुद कृष्णा बुक सुनते थे अपनी रोज, तो एक डिवोटी ने पूछा कि प्रभुपाद आप कृष्णा बुक क्यों सुनते हैं आप रोज, आपने तो लिखी है। तो प्रभुपाद ने कहा मैंने नहीं लिखी, कृष्णा ने लिखवाई है, मैं भगवान के पास टाइम्स रोज सुनता हूँ। प्रभुपाद सुनते थे, इतना बिजी होने के बाद, इतना मतलब मेंटल एंगेजमेंट होने के बाद ही प्रभुपाद टाइम निकालते थे कृष्णा बुक सुनने की, शाम को आराम से सुनते थे। और कई प्रभुपाद के डिसाइपल्स ने बोला प्रभुपाद ऐसे सुनते थे कि ऐसे प्रभुपाद जैसे प्रभुपाद पूरे इमर्स होते थे कृष्णा में, जैसे प्रभुपाद के पास कोई मैनेजमेंट नहीं, कुछ भी नहीं है, केवल रैलिश करते थे। शिला प्रभुपाद के फिर कई डिवोटी से भी कहते थे प्रभुपाद कृष्णा बुक सुनते थे, प्रभुपाद आंख बंद कर सुनते थे, तो ऐसा लगता था कि प्रभुपाद की आंखों के अंदर कृष्णा बने हुए, कई डिवोटी ऐसा भी कहते थे।
सो इस तरह से तो इस तरह से कृष्णा, इस तरह से शिला प्रभुपाद ने हमें करके दिखाया। रामानुज जा रहे, वेरी बिजी मैन, मैनेजमेंट पूरा था, श्रीरंगम मेल कोटे का 6,000 सन्यासी डिसाइपल्स नहीं, ही वॉज अ बहुत बिजी थे। बट जब भगवान की पूजा करते थे, चैंटिंग करते थे, तो पूरे इमर्स होते थे। तो ये करना है। अब क्वेश्चन है कि करना मुश्किल है, बस अब हम कहेंगे ठीक है सॉल्यूशन आ गया, बट सॉल्यूशन नहीं आया क्योंकि एप्लीकेशन मुश्किल है करना है ना। एप्लीकेशन थोड़ी मुश्किल होती है। तो अप्लाई करने के लिए इसका तरीका है कि हम डिवोटीज के साथ बैठें। मचित मत गता प्राण है वो ध्यंत परस्परम कुथ्यंत मामनित्यम तुष्यंती च। तब सेटिस्फैक्शन मिलेगी। जब डिवोटीज के साथ बैठ के कृष्ण कथा करेंगे तो अपने आप संतुष्टि मिलेगी, अपने आप हम डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। अकेले बैठ के भी आप कर सकते हो, अगर आप एडवांस्ड हो, आप बुक पढ़ सकते हो, आप पास्ट टाइम्स पढ़ सकते हो, अगर आप कर सकते हो बहुत अच्छा है। अगर आप पूरे इमर्स हो सकते हो, अगर आप नहीं हो सकते तो डिवोटीज के साथ बैठ के डिस्कस कर लो, क्या प्रॉब्लम है ना। जस्ट सिट विद डिवोटीज और उनके साथ करो। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ये एग्जाम्पल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दिया। इनफैक्ट इनफैक्ट अगर हाँ डिवोटीज का, तभी महाप्रभु ने कहा संकीर्तनम, तभी महाप्रभु ने कहा है कि भक्तों के साथ बैठ के आप डिस्कशंस करो। और इसीलिए महाप्रभु ने ये भी कहा है कि चलो हाँ भक्तों के साथ नहीं बैठ सकते, ओके प्रीचिंग करो। प्रीचिंग में अपने आप माइंड एब्जॉर्ब हो जाता है ना, मतलब आप लेक्चर दे रहे हो, आप किसी को प्रीच कर रहे हो, अपने आप माइंड एब्जॉर्ब हो जाएगा, आप पूरे डिस्कनेक्ट हो जाओगे उस टाइम के लिए, है ना। स्पेशली जब आप प्रीचिंग कर रहे हो, जब सुन रहे हो तो शायद ना हो पाओ, मगर जब बोल रहे हो तो हो आप, क्योंकि बोल ही रहे हो, आप प्रोएक्टिव हो ना, तो वो कर सकते हो आप। अगर आपका प्रीचिंग का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है तो कोई नहीं, चार दोस्त मिलके आप एक एक टर्न लो और डिस्कस करो। सो इस तरह से हम लोग ये हम लोग हम क्योंकि और कोई सोल्यूशन नहीं है इस चीज़ का। आप कहो कि भी हम जाएंगे, हम अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्या करें, कैसे बचें, उसका कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन है। हम ये तो सजेस्ट नहीं कर सकते अपना जॉब छोड़ दो, हमें तो सजेस्ट नहीं कर सकते कि भी आप अपना जॉब छोड़ दो, या अपने आप काम करना बंद कर दो, या सर्विस बंद कर दो, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। या इंटरेक्शन कम कर दो लोगों से, वो जो है वो है। मगर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सबसे सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो भगवान ने चार्जिंग का एग्जांपल दिया वो सही से करना ज़रूरी है, अदरवाइज बहुत जल्दी डिस्चार्ज होते रहोगे आप, परेशान होते रहोगे। तो अल्टीमेटली बॉटम लाइन घूम फिर के बात यहीं आती है कि हम अपने डिस्कशंस करें, चैंटिंग करें, वो तो हम करते ही हैं, सब करते ही हैं, मगर उस टाइम अपने माइंड को डिस्कनेक्ट करें संसार से। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप चैंटिंग आराम से करो या तेज करो, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है आपका माइंड डिस्कनेक्टेड है या नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता ज्यादा। या आप रीडिंग आप 6 घंटे कर रहे हो, 2 घंटा कर रहे हो, 1 घंटा कर रहे हो, 5 मिनट कर रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। कितना माइंड डिस्कनेक्टेड है बाहर से, वो सबसे मैटर करता है। क्योंकि भी कहाँ का कहीं कहीं फोन्स को हम चार्ज करने रख देते हैं पूरी रात, फिर भी सुबह देखते चार्ज नहीं हुआ है ना, खराब जो हो जाते हैं फोन, अरे यार पूरी रात हुआ है, सिर्फ 20% हुआ है, ये क्या है, इसका चार्जिंग ही खराब हो गया है। सो बस ये बात है, ये सॉल्यूशन है। और इसके मुझे लगता है और कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है नहीं इसका। बहुत सारी चीज़ें हैं इधर उधर, बहुत सारे टिप्स हैं लोगों के, बट कोई टिप्स काम नहीं करेंगे, टिप यही काम करेगी, और कोई तरीका नहीं है इसको करने का, हैंडल करने का चीज़ों का। सो दैट्स व्हाट गोस। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? प्रभु ये जो भगवत गीता का श्लोक है 17.6 ठीक है, आपने एक्सप्लेन नहीं किया था, प्रसाद ही सर्व सॉरी कौन सा श्लोक, इसमें सौम्यत्वम संतुष्ट ही संतुष्ट मना मन मन की तपस्या, मन की 17.16 श्लोक है, मन की तपस्या ना। हाँ 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 आपने एक्सप्लेन किया था कि फाइव एलिमेंट्स हाँ 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 लेके आना है, उसमें से फर्स्ट एलिमेंट जो है प्रभु फर्स्ट वर्ड सौम्यत्वम था, सौम्यत्वम सेकंड वन है, संतुष्ट
मना प्रसादा, मना प्रसादा। ये जो फर्स्ट जो एक्सप्लेन किया आपने कि डिस्कनेक्ट फ्रॉम मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, वो प्रोपा लिखते हैं कि सेंस ग्रेटिफिकेशन को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, पॉइंट सही है कि वो फाइव एलिमेंट में प्राइमरी एलिमेंट ही स्ट्रांग लगता है जो, और सेकंड वन आपने बताया कि रूम का भलाई सोचना है। फर्स्ट एलिमेंट जो सेंस ग्रेटिफिकेशन को छोड़ना, इसका मतलब है कुछ और भी देना पड़ेगा। तो ये कॉन्टेक्स्ट में अगर हम लोग, और आपने फाइनली कंक्लूड किया था कि भगवान को याद करना ही सबसे बड़ा, ये सब के बावजूद ये चीज़ जो भगवान को याद करना आपने स्मर्तन या वो भी आपको, तो वो एंगल में अगर आप फाइव एलिमेंट्स को देखेंगे तो वो कैसे हम लोग को, ये जो फाइव एलिमेंट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है? तो मन प्रसाद है, मन प्रसाद, क्योंकि भगवान को याद करने से माइंड प्रसाद है, मतलब खुश होता है। okay. और खुशी माइंड फिर सौम्यत्वम, जेंटल होगा, जेंटल माइंड ही फिर संतुष्ट होगा। सो अल्टीमेटली मना प्रसाद से ही होता है। तभी तो मैं कह रहा था तुष्यंति चरमंति च, वही है। तो तुष्यंति चरमंति च, तो वो मना प्रसाद ही तो है। okay. और वो तब आएगा जब हम साथ में बैठ के डिस्कशन करेंगे। साथ में बैठ के डिस्कशन में क्या होगा, माइंड डिस्कनेक्ट हो जाएगा बाहर से, अकेले शायद ना हो पाए साथ में बैठ के, क्योंकि जब चैंटिंग करते हैं माइंड भागता रहता है, और तो कीर्तन करते हैं तो फिर भी लग जाता है ना, साथ में कर रहे हैं तो। इसलिए वो, इसलिए भगवान ने सॉल्यूशन दिया, मच्चित मतता परं वो ध्यानता परस्परम, तभी सॉल्यूशन दिया। ये बस फिर माइंड हो जाएगा प्रसार, खुश हो जाएगा, खुश हो जाएगा तो अपने आप ही, जब माइंड खुश होगा तो अपने आप एब्जॉर्व हो जाएगा चीज़ में। खुश नहीं होगा तो फिर एब्जॉर्व नहीं कर सकते चीज़ों में, फिर इधर उधर भागता रहेगा, ये करना है वो करना है करना है। क्लियर है? नहीं क्लियर, बट एक एक मुझे लगा मन प्रसाद जो है नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट है उसका, कि सेंस ग्रेटिफिकेशन से हटाना मेन फोकस है, या कृष्ण में नहीं नहीं पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, और नेगेटिव अपने आप हटेगा। अच्छा ओके, हमारी फिलॉसफी में कुछ भी सिर्फ नेगेटिव नहीं, कुछ नहीं। अगर आप सोचो कि वो नेगेटिव सेंस में अगर ले लिया जी, ओके जस्ट टू, वो होगा नहीं ना, प्रैक्टिकल नहीं, प्रैक्टिकल नहीं, वो नहीं होगा, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता कोई बिना भगवान का स्मरण किए माइंड संतुष्ट हो रहे पीसफुल, वो नहीं हो सकता। हमारी फिलॉसफी चीजों से हटा के, वो हमारी फिलॉसफी नहीं है, नहीं, नहीं हो सकता। ओके okay, और कुछ पूछना है, कुछ कहना है? ठीक है, दैट्स इट, ओके। जय श्रील प्रभुपाद की।